अलीपुरद्वार जिले के राजा भातखावा रेलवे स्टेशन पर कोच रेस्टोरेंट की हुई शुरुआत। यात्री और पर्यटक ट्रेन के कमरे में बैठकर रेस्टोरेंट के वातावरण और भोजन का आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई टिकट या रेल यात्री नहीं। ऐसी ही एक अनोखी पहल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने की है। पहली नजर में बाहर से ये किसी लग्जरी ट्रेन स्टेशन जैसा दिखता है, लेकिन जब आप अंदर घुसोगे तो आपको रेस्टोरेंट दिखेगा, सारा खाना मिलेगा, वेज से नॉन वेज तक। पूर्वोत्तर रेलवे ने पहले ही NJP स्टेशन पर कोच रेस्टोरेंट चलाना शुरू कर दिया है। इस बार कालचीनी ब्लॉक के राजा भातखावा में कोच रेस्टोरेंट का संचालन गुरुवार से शुरू हो गया है। इस संबंध में DRM अमरजीत गौतम ने कहा कि राजा भातखावा से अलीपुर द्वार के आगे जयंती, बक्सा, कालचीनी जा सकते हैं। पर्यटकों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए राजा भातखावा में कोच रेस्टोरेंट के बारे में सोचा गया है। देखिए अलीपुर द्वार नॉर्थ बंगाल का एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। हमारी भी पूरी कोशिश है कि उस टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ाया जाए। रेलवे सारी एक्टिविटीज के अलावा उस रेस्टोरेंट भी हम लोग कई जगह पर लगाए थे। ये सेकेंड है, ये लास्ट मंथ में भी हमने सुबह जाके बताया था कि यहाँ पर आगे भी दूसरे दिन पहले कर रहे हैं। इससे जो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं तो उनको फ़ायदा होगा, इकोनॉमी डेवलप होगी और साथ ही साथ रेलवे की रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सर एक अगले अभी पाइपलाइन में है, एग्जैक्ट स्टेशन बता पाना मुश्किल है, लेकिन नेक्स्ट फ्यू सब और दूसरा डिपेंड करता है मार्केटेबिलिटी पर और दूसरा कितना पेट्रोलेज जो एजेंसी दे रही है, यदि उसके पेट्रोल पूरा लोग आएंगे यूज़ करेंगे तो उनकी भी डिमांड आएगी, वो जगह भी उसको स्टार्ट करेंगे। सर रेल यात्री जो ट्रेन में सफ़र कर रहा है वो भी यहाँ से खाना लेते हैं? हाँ, कोई कोई बहन नहीं, रीजनेबल है रेट। ये बहुत रीजनेबल, आपने तो मैं भी देखा हूँ तो आई थिंक 70 रुपये से लेकर के 200-250 से ज़्यादा कोई आइटम नहीं। सर टूरिस्ट को, टूरिस्ट लोगों को सर इसको कैसे ये लोग अट्रैक्टिव करेंगे? ये तो रास्ता ही आई थिंक जो सबसे महंगा रिजर्व है और डी ऑफ बेस है उसी का रास्ते जाने का, और दूसरा ये एक्टिविटी जो ऑनर है यही पब्लिसाइज करेंगे इसको। रेल की तरफ से भी परमिशन, रेल की तरफ से परमिशन लेकर के हम लोग अलाउ करेंगे, लेकिन करना तो जो एजेंसी है पंचायती है उन्हें करना होगा। कितनी जगह पर होंगे ये एग्जीबिशन? अभी सेकेंड है, पहले इससे पहले भी हुआ है इसीलिए गया था, मतलब अभी लास्ट मंथ में हमारा हमने एक पहले किया था, ये आगे और करेंगे। NJP का परफॉर्मेंस कैसा है? NJP का परफॉर्मेंस वाई डिजिटल का ट्रांसफर करना चाहिए।